चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को बिना मिस किए शुरू करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एयरटेल का नया सिम चालू करते हो आज से, तो यहाँ पर आपको जो है नुकसान होने वाला है ये दो FR के साथ, FR 265, FR 299। यहाँ पर जो नुकसान होने वाला है वो यहाँ पर आपको लमसम यहाँ पर आपको जो है 50 रुपया का यहाँ पर आपको नुकसान देखने को मिलेगा ये दो FR के साथ। यहाँ पर आज से और अभी से यहाँ पर जो है ये दो FR के साथ यहाँ पर OTF कमीशन बदल दिया गया है। अब आपको यहाँ पर पहले के मुकाबले यहाँ पर OTF कमीशन कम दिया जा रहा है। तो कितना यहाँ पर OTF कमीशन मिलेगा आज से, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे FR यूज करते हो नया सिम चालू करते वक्त FR 265, तो यहाँ पर जो OTF कमीशन मिलेगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 133 रुपये का। इसमें यहाँ पर आपका रिचार्ज मार्जिन कमीशन और FR OTF कमीशन, ये दोनों मिलाकर यहाँ पर आपको 133 रुपये का यहाँ पर OTF कमीशन देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दूसरे नंबर का FR के बारे में। अगर आप यहाँ पे नया सिम चालू करते वक्त FR यूज करते हो 299, तो ये FR के साथ यहाँ पर आपको जो है सिर्फ 1 रुपया यहाँ पर आपको कमीशन बढ़ाया गया है, यानी कि आपको जो है 133 रुपया से यहाँ पर आपको 1 रुपया ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो OTF कमीशन दिया जाएगा वो यहाँ पर 134 रुपये का यहाँ पर आपको OTF कमीशन देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पर आपका रिचार्ज मार्जिन कमीशन और FR OTF कमीशन, ये दोनों मिलाकर यहाँ पर आपको जो है ये OTF कमीशन आपको मिलेगा 134 रुपया का। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको ये दो FR के बारे में यहाँ पर जो कमीशन को लेकर जानकारी बता रहा हूँ, वो यहाँ पर ऑफिशियल न्यूज यहाँ पर निकल कर नहीं आया अभी तक कंपनी से यहाँ पर क्या OTF कमीशन दिया जाएगा रिटेलर को। लेकिन यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर जो है नया सिम एक चालू किया और जब यहाँ पर मैंने FR यूज किया, तो यहाँ पर जो है मेरे को जो OTF कमीशन मिला वो आप यहाँ पे देख सकते हो। स्क्रीनशॉट यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ देख सकते हो, यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट में यहाँ पर जो है आपको साफ तौर पे यहाँ पर नजर आ रहा होगा, जो यहाँ पर मैंने FR यूज किया है उसका यहाँ पर OTF कमीशन आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर भाई का मेरे को भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं विश्वास नहीं कर रहा था कि इतना ज्यादा यहाँ पर जो है रिटेलर को नुकसान होगा एक सिम कार्ड को चालू करने में। पहले यहाँ पर जो आपको OTF कमीशन मिलता था उसमें, और अब का जो यहाँ पर OTF कमीशन दिया जा रहा है उसमें आप देख सकते हो कितने का डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पर बिलीव नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब यहाँ पर मैं खुद से यहाँ पर जब लाइव यहाँ पर FR यूज किया तो यहाँ पर देखने को मिला यहाँ पर जो है वाकई में यहाँ पर FR OTF कमीशन कम कर दिया गया है। तो इसी को लेकर ये जो है अभी न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रहा था, आपके लिए लेटेस्ट न्यूज है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आप अगर एयरटेल का रिटेलर हो तो आप कहाँ से हो और कितना यहाँ पर आपको जो है नया सिम चालू करते वक्त यहाँ पर OTF कमीशन मिल रहा है ये दो FR के साथ। तो इसी को लेकर ये जानकारी मैं आपको बताने वाला था। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर दें। और अगर आपको इससे रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल सुझाव हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर साथ ही साथ मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। तो अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन